नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अंजलि स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा लीवर टॉनिक बताऊंगी दोस्तों, ऐसा डाइजेस्टर टॉनिक बताऊंगी जो बहुत ही अच्छे है, जिसके रिजल्ट है। अगर आपको गैस्ट्रिक रिलेटेड अगर कोई समस्या है या अगर आपको लीवर संबंधित अगर कोई आपको परेशानी है दोस्तों, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सीरप है। साथ ही साथ आपके लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है, आपकी डाइजेस्टिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन अच्छे से कराता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है। आपको अगर एपिटाइट अगर आपकी बहुत लो है तो उसे भी ये बढ़ाता है। साथ ही साथ अगर आपको लीवर रिलेटेड कोई समस्या है, यानी कि अगर आपको जॉइंटिस की अगर समस्या है, आपको पीलिया अगर हो गया है, तो उसके लिए भी दोस्तों ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्दर वी स्टार्ट द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर योर डेली नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो लीवर टॉनिक है जिसका नाम है जोंडेला सिरप, ये बहुत ही अच्छा सिरप है। अगर आपको लीवर से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपको हेपेटाइटिस की समस्या है, आपको लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि जो राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमन होता है, यानी कि आपका जो पेट होता है उसकी जो राइट साइड अगर आपको दर्द महसूस होता है, सूजन महसूस होती है, टाइटिंग सा अगर आपको लगता है कि कुछ टाइट टाइट सा हो रहा है उस पर्टिकुलर जगह पे दोस्तों, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको पीलिया हो गया है, यानी कि आपको जॉइंटिस हो गया है, तो उससे भी ये बहुत अच्छा क्योर करता है। साथ ही साथ आपके लीवर फंक्शन को बढ़ाता है। लीवर हमारा एक लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी में। ये सिचुएटेड होता है हमारी राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमन पे, यानी कि जो राइट साइड होता है हमारे पेट का, वहाँ पर ये उसके भी ऊपर वाले रीजन पे प्रेजेंट होता है। और ये इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, कि हमारे खाने को पचाने का काम करता है। जो हमारा खाना पचता है, जैसे ही हमारा खाना स्टमक में आता है, तो तीन जूसेस जो होते हैं उसे पचाने का काम करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो स्टमक सिक्रेट करता है, सेकंड जो होता है पचाने में वो रोल करता है हमारा पैनक्रियास, और थर्ड जो होता है दोस्तों लीवर। लीवर भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपके खाने को पचाने के लिए। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको लीवर संबंधित अगर आपको कोई सी प्रॉब्लम है, या फिर आपको गैस्ट्रिक रिलेटेड कोई समस्या है दोस्तों, तो आपको ये सिरप ज़रूर लेना चाहिए। तो ये है दोस्तों जोंडेला सिरप, ये मेडिसिन कंपनी का आता है और इसकी MRP आपको 160 अराउंड मिल जाएगी और इसकी नेट क्वांटिटी आपको 200 ml मिल जाएगी दोस्तों। इसकी रेंज 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि आप इसे 100 ml में भी परचेस कर सकते हैं, 200 ml भी इसकी अवेलेबल है, साथ ही साथ इसकी 500 ml भी आप इसे परचेस कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जोंडेला सिरप बहुत ही अच्छा एक लीवर टॉनिक है, साथ ही साथ डाइजेस्टर टॉनिक है। अगर आपको गैस्ट्रिक रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या रहती है, बार बार अगर आपको बदहजमी रहती है, गैस बनी रहती है, एसिडिटी की शिकायत रहती है, साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा चुभन सी महसूस होती है आपके स्टमक रीजन में, जलन सा होता है आपकी चेस्ट में, आपकी अपर चेस्ट में स्पेशली ऐसा लगता है खाना ऊपर की ओर चढ़ रहा है, और आपको बार बार नोजिया वॉमिटिंग जैसी समस्या होती है, उल्टी जैसा आपको लगता है दोस्तों, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। साथ ही साथ दोस्तों अगर इसके साथ अगर आपको लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि अगर आपके राइट अपर रीजन पे आपकी ऊपरी वाले राइट वाले हिस्से में अगर आपको दर्द महसूस होता है, साथ में चुभन महसूस होती है आपकी राइट साइड ऑफ द एब्डोमन पे, साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा फूला फूला सा पेट लगता है, आपको एसिडिटी हमेशा बनी रहती है दोस्तों, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, यानी कि खाना जो है बराबर से नहीं पचता है दोस्तों, तो उसके लिए भी दोस्तों ये बहुत अच्छी मेडिसिन। अगर दोस्तों अगर आपको लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, हेपेटाइटिस की समस्या है, साथ ही साथ अगर आपको पीलिया हो गया है, जॉइंटिस हो गया है, लीवर आपका जो है इनलार्ज हो गया है, सूज गया है लीवर, तो उसके लिए भी दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आपका लीवर सूज गया हो, तो दोस्तों उसमें आपको आपकी जो राइट साइड होगा आपके एब्डोमन का, आपका पेट का ऊपरी वाला जो राइट हिस्सा होगा, उसमें आपको दर्द होगा, चुभन होगी, जलन सा लगेगा, ऐसा मानो कि बहुत जल रहा है उस पर्टिकुलर पार्ट में, और साथ ही साथ अगर आपको वहाँ पर हार्डनिंग लगेगी, यानी कि बहुत सा कड़क कड़क सा लगेगा, तो वो दोस्तों अगर आपका लीवर इनलार्ज है, तो उसके लिए भी दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ दोस्तों अगर आपकी एपिटाइट बहुत कम रहती है, आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, स्पेशली बच्चों की इसमें देखा गया है कि उन्हें भूख बिल्कुल नहीं लगती है, तो उस कंडीशन के लिए दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपकी भूख को बढ़ाएगी, साथ ही साथ आपके पाचन क्रिया को जो है सुधारेगी, और आपकी कॉन्स्टिपेशन में भी आराम देगी दोस्तों। तो अगर आपको गैस्ट्रिक रिलेटेड अगर कोई समस्या है, तो आप इस सिरप का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लीवर संबंधित अगर कोई परेशानी है, तो भी आप इसे इस्तेमाल। आपको बताती हूँ कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें डली हुई है, वन बाय वन आपको बताती हूँ दोस्तों। सबसे पहली मेडिसिन जो इसमें डली हुई है वो है कार्डस मिराइनस। ये बहुत अच्छी मेडिसिन
मेडिसिन है एज अ लीवर टॉनिक, बहुत अच्छा है अगर लीवर में इलाज हो जाता है, लीवर सूजन आती है, साथ ही साथ आपके डाइजेशन को ये इम्प्रूव करता है। दूसरी जो इसमें मेडिसिन डली है दोस्तों वो है कैरिका पपाया, यानी कि ये पपीता जो होता है दोस्तों, पपीता के जो पत्ते होते हैं उससे बनी हुई है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन। अगली जो दोस्तों इसमें मेडिसिन डली हुई है वो है चिलीडोनियम। चिलीडोनियम दोस्तों टॉप ग्रेड मेडिसिन है लीवर के लिए, जो आपके लीवर की फंक्शन को इम्प्रूव करती है, साथ ही साथ आपकी जो है एपेटाइट को भी बढ़ाती है और लीवर की जो सूजन है उसको भी कम करती है दोस्तों। अगली जो मेडिसिन इसमें डली हुई है दोस्तों वो है सियोनेंथस मेलिटिंचर। ये भी बहुत अच्छा मेलिटिंचर है दोस्तों, अगर आपको एसिडिटी की समस्या रहती है, यानी कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा फ्लैटुएंस होता है, पेट में चुभन सी महसूस होती है, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में पेन होता है, दर्द होता है, सूज जाता है वो पर्टिकुलर पार्ट दोस्तों, और साथ ही साथ अगर आपको आपको गैस की समस्या बहुत सालों से है, आपको इनडाइजेशन है, आपको बार बार आपके पेट में गैस बनी रहती है दोस्तों, उसको भी बहुत। अब दोस्तों मैं आपको इसे लेने का तरीका बताती हूँ कि कैसे जो है आप इसे इस्तेमाल करें। अगर आप बड़े लेना चाहते हैं दोस्तों तो 1 टीस्पून यानी कि 1 चम्मच दिन में 2 बार जरूर लें, खाना खाने के जो है पहले आप इसे जरूर लें दोस्तों। अगर आप छोटे को देना चाहते हैं तो 1 टीस्पून जो है आप सिर्फ 1 ही बार दीजिए खाना खाने से पहले दोस्तों। ये आपको आपके नियरेस्ट होम्योपैथिक मेडिकल पे अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से इसे परचेस कर लीजिए, साथ ही साथ आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ये वहां पर भी अवेलेबल है दोस्तों। अगर आपको इस रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है दोस्तों तो आप जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। टॉप ग्रेड दोस्तों सिरप है ये, अगर होम्योपैथिक में अगर ऐसा कोई टॉप ग्रेड सिरप आता है लीवर के लिए, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो दोस्तों वो है जोंडीला सिरप, आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नीचे दिए गए लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, पास ही में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।